अंकल रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आलू की पूड़ी बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है। देखिए, इसके लिए हमें चाहिए सौंफ, जीरा, हींग पाउडर, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक का पेस्ट और हरा धनिया पत्ती, आटा और पानी। पहले हम आटे में मैश किए हुए आलू को डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, इसको हाथ पर लेकर थोड़ा सा क्रश कर लें, सौंफ, जीरा, हींग पाउडर और अदरक का पेस्ट, धनिया पत्ती, इन सभी को अच्छी तरह से मिलाएं और पानी डालकर इसको अच्छे से गूंथें। इसमें पानी कम कम कर ही डालें क्योंकि हमने इसमें आलू डाले हैं, तो इसमें पानी कम ही लगेगा। देखिए, हमने लो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इससे लोइयां बनाएंगे और पूड़ी बनाएंगे। पैन रखेंगे और हमने पैन में ऑयल डाल लिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। बना लिए हैं, अब हम इसे बेलेंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू की पूड़ी डालेंगे। पलटेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक इसी तरह से फ्राई करें। ये पूड़ी बन चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए, पूड़ी बनकर तैयार है। इसको गर्मा गर्म जामफल की चटनी और टमाटर की चटनी के साथ खाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।